हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एंड डूइंग वेल इन योर स्टडीज। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 5, वेट इन द फॉरेस्ट। बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर वी विल डिस्कस सम वर्ड मीनिंग्स। कमोशन, इट मीन्स अ स्टेट ऑफ कंफ्यूज्ड एंड नोइजी डिस्टर्बेंस। इट मीन्स बहुत ज़्यादा आवाज़ से जो डिस्टर्बेंस होता है, जिससे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, फॉर दैट वी यूज कमोशन। बियॉन्ड, इट मीन्स फार ऑफ यानी परे। लिफ्टिंग, इट मीन्स रेज। स्नोरिंग, अ वेरी नोइजी ब्रेथ वाइल यू आर स्लीपिंग। जब आप सोते हैं तो जब आप बहुत तेज आवाज करते हुए सोते हैं, दैट इज स्नोरिंग, इट मीन्स खर्राटे लेना। रेस्पॉन्सिबल, इट मीन्स इंचार्ज ऑफ, जो इंचार्ज है, जो उस चीज़ के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है, रेस्पॉन्सिबल। मचान, अ प्लेटफॉर्म इरेक्टेड इन अ ट्री, इट मीन्स एक पेड़ के ऊपर जो प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड मचान। ये गाँव में तो अक्सर बनाया जाता है जानवरों को खेतों से दूर भगाने के लिए। इरेक्टेड मीन्स बिल्ड। कपल, इट मीन्स पेयर। कंपेनियन, एज यू नो पार्टनर। पार्स्ड, इट मीन्स ड्राई यानी सूखे। थ्रॉट, द फ्रंट पार्ट ऑफ अ पर्सन्स और एनिमल्स नेक, किसी इंसान या जानवर की नेक का जो फ्रंट पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड थ्रॉट। नाउ लेट्स सी द चैप्टर। एज वी नो, दिस स्टोरी इज अबाउट एन इंजर्ड एलिफेंट एंड द राइटर एंड हिज फ्रेंड्स आर ट्राइंग टू ट्रीट इट एंड दे हैव डू दिस। नाउ द एलिफेंट वॉज unconscious. The elephant, having made couple of unsuccessful attempts at lifting its head, fell back into a deep sleep. As we know, जो story है वो एक injured elephant के बारे में है, जिसमें जो writer और उसके कुछ friends हैं वो उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं और वो ऐसा कर भी चुके होते हैं, but अब जो एलिफेंट है वो बेहोशी की कंडीशन में है, उसे होश नहीं आ रहा है, तो उसके रिवाइव होने का वेट कर रहे हैं। द एलिफेंट हैविंग मेड ऑफ कपल ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, जो एलिफेंट है वो कुछ असफल प्रयास करता है अपने सर को ऊपर उठाने की, लेकिन वो वापस गिर जाता है और एक गहरी नींद में चला जाता है। जेंटली स्नोरिंग, और बहुत ही सॉफ्टली वो खर्राटे लेने लगता है। As responsible managers, we should have stayed around for the moment of its revival. जैसा कि हम बहुत ही responsible managers थे, responsible प्रतिनिधि थे, तो हमारे लिए हमें चाहिए था कि हम उसके आसपास ही रुके जब तक कि वो वापस revive नहीं हो जाता। It means उसे वापस होश नहीं आ जाता, तब तक हमें उसके पास में ही रहना होगा। Unfortunately, there was not one solitary strong enough to support a machan on which we could spend the night. Unfortunately, it means दुर्भाग्य से, not good luck. वहाँ पर कोई भी इतना मजबूत साल ट्री नहीं था कि हम उसके ऊपर मचान बना सकें। पेड़ के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जहाँ पर हम बैठकर जानवरों से खुद को भी सेफ रखा जाता है और जानवरों को भी वहाँ से भगाया जा सकता है। ऑन विच वी कुड स्पेंड द नाइट, कि कोई ऐसा साल ट्री नहीं था जिसके ऊपर हम मचान बना सकें और अपनी पूरी जो नाइट है वो वहाँ स्पेंड कर सकें। क्लियरली इट वुड not be possible to spend the night on the ground with about 50 wild elephants just a couple of 100 meters away. ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि एक पूरी रात हम ग्राउंड पर बिताएं, जहां कि हमें पता है कि लगभग 50 जो जंगली हाथी हैं वो हमारे से ओनली 100 मीटर्स की दूरी पर है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम जानते हुए कि हमारे पास ही में बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर हैं, हम ज़मीन पर अपना वक्त बिताएं, पूरी नाइट बिताएं। ईगर टू कम, ईगर मीन्स
impatient, eager to come to the aid of their fallen companion. और वो भी ऐसा ग्रुप जो अपने जो दोस्त है जो वहाँ पर गिरा हुआ है उसके पास आने के लिए बहुत ज़्यादा eager है, impatient है, व्याकुल है. The heat and our parched throats forced us to turn back reluctantly. We returned to the jeep and went back to the rest house. जो गर्मी थी, हीट थी उसने, और जो हमारी parched throat, it means जो हमारे dry गले थे, सूखे हुए गले थे, उन्होंने हमें force किया कि हम वापस अप लौट जाएं. Reluctantly, it means अनिच्छुक होकर, means हमारी इच्छा तो नहीं थी but हमें वहाँ से जाना पड़ा. We returned to the jeep, हम जीप के पास लौट आए, and went back to the rest house, और दोबारा अपना जो rest house था वहाँ पर चले गए. The next day, to our relief, we found that the elephant had revived during the night. अगले दिन हमारे लिए बहुत ही relief का दिन था क्योंकि हमने पाया कि जो एलिफेंट था वो रात के समय पर रिवाइव हो चुका है, इट मीन्स वो ठीक हो चुका है. एंड द हर्ड हैड टेकन इट अवे, और जो एलिफेंट्स का हर्ड है वो उसे यहाँ वहाँ से लेकर जा चुका है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर द एलिफेंट्स आर गोइंग एंड एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ट्रंक फुल ऑफ टेल 70 ईयर्स विद द इंडियन एलिफेंट. और ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो स्टोरी है, ये ली गई है ट्रंक फुल ऑफ टेल 70 ईयर्स विद इंडियन एलिफेंट, जो जिसे कि धृति के लाहिरी चौधरी जी ने लिखा है. एंड उन्होंने अपना बहुत सारा जो टाइम है वो एलिफेंट्स के साथ स्पेंड किया था. नाउ लेट्स सी द समरी ऑफ द चैप्टर. अ टीम कंप्राइजिंग SCD, Chief Wild Warden of the State of West Bengal, Subrata Chaudhary, Officer specializing in tranquilizing animals, and the author went to Vishnupur Forest to save a young injured elephant. एक जो टीम थी जिसमें SCD जो कि Chief Wild Warden थे वेस्ट बंगाल स्टेट के, सुब्रतो चौधरी जो कि एनिमल्स को ट्रैंकुलाइज करने के स्पेशलिस्ट थे, एक्सपर्ट थे, और ऑथर, ये सभी बिष्णुपुर फॉरेस्ट में उस यंग इंजर्ड एलिफेंट को बचाने के लिए जाते हैं, बचाने के लिए गए. ऑल अटेम्प्ट्स मेट टू ड्राइव अवे द हर्ड वर अनसक्सेसफुल. एज वी नो, जितने भी अटेम्प्ट्स थे उस हर्ड को, जो 50 एलिफेंट्स का हर्ड था, उसे उस इंजर्ड एलिफेंट से दूर करने के लिए जितने भी प्रयास किए गए वो सभी असफल रहे. द लोकल फॉरेस्ट स्टाफ वॉज नॉट एबल टू गिव एनी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट लोकेशन ऑफ द हर्ड, एज द हर्ड एंड द इंजर्ड एलिफेंट वर कॉन्स्टेंटली मूविंग अलोंग. जो लोकल फॉरेस्ट स्टाफ था वो भी एबल नहीं था, वो भी नहीं दे पा रहा था. जो एलिफेंट्स का हर्ड था और जो इंजर्ड एलिफेंट था उनकी करंट लोकेशन का, इट मीन्स वो कहाँ पर हैं इस समय पर, इसकी कोई जानकारी वो लोग नहीं दे पा रहे थे क्योंकि जो इंजर्ड एलिफेंट और उनका हर्ड है वो लगातार मूव कर रहा था, लगातार वो चल रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे. सो जो लोकल स्टाफ है, फॉरेस्ट स्टाफ है, उन्हें भी उनके कन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो कहाँ पर हैं, कौन से पार्ट में है फॉरेस्ट के. द ऑथर एंड हिज टीम वर इम्प्रेस्ड विद अ यंग मैन फ्रॉम वन ऑफ, जो लोकल लोग थे उनमें से एक आदमी से जो ऑथर और उसकी टीम है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं. द वंस टू सफर द मोस्ट वर द ट्राइबल पीपल हु their plots of land was destroyed by the elephant. क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग हैं, सबसे ज़्यादा जिन्हें कष्ट सहना पड़ता है इन वाइल्ड एनिमल्स की वजह से, वो वहाँ के ट्राइब लोग हैं, वहाँ के जनजाति ये लोग हैं, उनके छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं लैंड के, और उन्हें भी वो जो एलिफेंट्स है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनकी फसल को वो पूरी तरह नष्ट कर देते हैं. लेकिन फिर भी वो हेल्प करना चाहते थे उस एलिफेंट की. और वो हमने पढ़ा था चैप्टर में कि वो जो यंग मैन है वो उसके लिए खाने की व्यवस्था करता था, लीव्स और जो ब्रांचेज हैं वो उसे प्रोवाइड करवाता था. द विलेजर्स
Reports said that the elephant had an injury in one of the front leg. और ये villagers ने, जो गांव वाले थे, उन्होंने ये report दी थी कि जो elephant है उसकी आगे वाली एक चोट पर, आगे वाली leg पर चोट लगी है. जो forest officers थे, जो forest staff था, उनके पास इनके बारे में कोई information नहीं थी, but जो गांव के लोग थे, वहाँ के local जो लोग थे, उन्होंने ये information दी थी कि जो elephant है उसकी front leg पर, आगे वाली leg पर चोट लगी है. Taking even one step was an agony for the एनिमल. यहाँ तक कि जो एनिमल है उसके लिए एक सिंगल स्टेप लेना भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरा है, बहुत ही मुश्किल है. द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द टीम वॉज दैट द इंजर्ड एलिफेंट वॉज इन द मिडल ऑफ द हर्ड. और जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी टीम को, जो उसे ट्रीट करने के लिए जा रही थी, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए जा रही थी, उस टीम के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो इंजर्ड एलिफेंट है वो हर्ड के, यानी उनका जो ग्रुप था एलिफेंट्स का, उसके बिल्कुल बीच में था. बाकी जो एलिफेंट्स थे वो उसको सपोर्ट कर रहे थे, उसको सेफ रख रहे थे. इट सीम्ड इम्पॉसिबल टू सेपरेट द एनिमल फ्रॉम द हर्ड एंड ट्रीट इट. ये बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था, असंभव लग रहा था उस इंजर्ड एनिमल को अपने हर्ड से, अपने ग्रुप से अलग करना और उसका इलाज करना. टू बॉयज फाउंड द इंजर्ड एलिफेंट स्टैंडिंग अलोन इन वन कॉर्नर ऑफ द फॉरेस्ट. जो टू बॉयज़ हैं, ट्राइबल बॉयज़ हैं, उन्होंने उस इंजर्ड एलिफेंट को अकेले खड़े हुए देखा जंगल के एक कोने में. Although Subrato was a veterinarian, his earlier experience had been limited to tranquilizing langurs, where he could take his own time to prepare the syringes. यद्यपि जो सुब्रतो थे, जो कि एक वेट थे, उन्हें उनका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था वो केवल लंगूर्स को, जो बंदर जैसे होते हैं, उनको ट्रैंकुलाइज करने का एक्सपीरियंस था उनके पास, जिसमें वो अपना समय लेते थे सिरिंज को तैयार करने में, क्योंकि उनके पास इनफ टाइम होता था सिरिंज को प्रिपेयर करने के लिए. बट यहाँ पर एक एलिफेंट था और यहाँ उनके पास इनफ टाइम नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले सके. ही हैड देयरफॉर नॉट थॉट ऑफ कीपिंग द सीरेंज रेडी, क्योंकि उनका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था वो लंगूर्स को ट्रैंकुलाइज करने का था, इसलिए उन्होंने पहले से यहाँ पर सीरेंज, जो ट्रैंकुलाइज करने के लिए दवाई थी, ड्रग जो उसे देनी थी बेहोशी की, वो तैयार नहीं की थी. बट हेयर ही ट्रैंकुलाइज द एलिफेंट फॉर इट्स फर्दर ट्रीटमेंट. लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पर उस एलिफेंट को ट्रैंकुलाइज कर दिया था, बेहोश कर दिया था ड्रग देकर उसके आगे के ट्रीटमेंट के लिए. दे देन ट्रीटेड द एलिफेंट. आफ्टर दैट उन लोगों ने उसका ट्रीटमेंट किया, उसका जो स्वॉलन पार्ट था उसमें से जो ब्लड था उसे निकाला और बैंडेज किया उसे. दिस इज द स्टोरी, अ वैट इन द फॉरेस्ट. I hope you like the story. Thank you and have a nice day.